वंदे मातरम, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे और सुरक्षित होंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस, जो K417N म्यूटेशन के साथ कोरोना की थर्ड वेव में अहम भूमिका निभा सकता है। यह डेल्टा वेरिएंट एक उपवंश है जिसे पहली बार भारत में 5 अप्रैल को खोजा गया था, और इसने K417N नामक स्पाइक प्रोटीन उत्परिवर्तन प्राप्त किया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार पहचाने गए बीटा वेरिएंट में पाया जाता है। हाल ही में दिनांक 23 जून 2021 को महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों से 40 मामले डेल्टा वेरिएंट से संबंधित सामने आए हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि जिन क्षेत्रों में यह पाया गया है उन्हें निगरानी, उन्नत परीक्षण और क्विक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रायोरिटी वैक्सीनेशन पर ध्यान केंद्रित करके अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के एक वैज्ञानिक तरुण भटनागर ने कहा, म्यूटेशन से भारत में तीसरी लहर का आना संभव नहीं है, क्योंकि यह भी कोविड उपयुक्त व्यवहार पर निर्भर करता है। लेकिन उनके हिसाब से कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट एक कारण हो सकता है। बात करें डेल्टा वेरिएंट के सिम्टम्स की, तो आपको चेस्ट पेन, डायरिया, स्किन रैश, ड्राई कफ, फीवर और डिसकलरेशन ऑफ फिंगर एंड टोज देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि युवाओं की अपेक्षा बच्चों पर इस वेरिएंट का अधिक दुष्प्रभाव होगा। यूपी में भी इसका खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आने वाले सभी यात्रियों में इस वेरिएंट का पता लगाने के लिए RT-PCR जांच के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आप सभी से यही निवेदन है, मास्क लगाकर रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यदि भूल जाएं तो किसी को भी कॉल करके कोविड मैसेज कॉलर ट्यून को स्किप करने की बजाय पूरा सुनें। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल इंटेंस अनाउंसमेंट को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम।